हेलो बच्चों। हाँ कैसे हो बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन योर नेम इन कमेंट सेक्शन। सबसे पहले अपना नाम लिखें कमेंट सेक्शन में कि आप जुड़ चुके हैं हमसे। फास्ट फास्ट बेटा। डू फास्ट अंशुल। अंशुल, यश कौशिक, अंशुल, यश कौशिक, ओजस्वनी, जल्दी जल्दी आओ। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, बिना टाइम खराब करे जल्दी से आए। वीडियो को लाइक करें, कहना पड़ेगा क्या? वॉइस इज क्लियर? पिछले कुछ टाइम से वॉइस का इशू था, तो कमेंट करके बताएं वॉइस इज क्लियर कि अब कोई इश्यू नहीं है वॉइस का। जल्दी से बताओ मुन्ना, आवाज कैसी आ रही है? हे मुन्ना, आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर। मैं शोभित कुमार चौधरी आपका वेलकम करता हूँ, और साथ में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं। अंशुल, ऑल क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में मेरे बेटा, आज हम सीधा सीधा छक्का मारने वाले हैं। छक्का कैसे? कि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, सारे यहां पे कवर तो नहीं होंगे। लास्ट ईयर का जो पेपर है वो मेरे पास है, और मैं उस पेपर से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं आज। यानी कि आज हम देखेंगे पीएनडल अप्रोप्रिएशन के वो क्वेश्चन जो लास्ट टाइम के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। मेरे बच्चा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं हम, और मैं ये भी तो दिखाऊंगा आपको। मैं कहता हूँ ये पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा, अरे मेरी बात पे भरोसा कैसे कर लेते हो आँख मीच के? हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसमें से पेपर में कुछ ना आता हो, ऐसा हो सकता है ना? मैं झूठ बोल सकता हूँ ना? बताओ मुझे। तो मैं झूठ बोल सकता हूँ कि पेपर में ये सब आएगा, और रियलिटी ये हो सकती है कि पेपर में आता ही नहीं है। तो मैं आज आपको ये शो करने वाला हूँ कि मैं जो जो कराता हूँ और जो जो इम्पोर्टेंट बोलता हूँ मेरे बच्चे,
क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। अमूमन जो मैं गैस करता हूँ कि ये पेपर आएगा ये पेपर आएगा, तो वो पेपर हिट हो जाता है, अक्सर वो पेपर हिट हो जाता है। तो थोड़ा सा आप निश्चिंत रहें, यू आर इन गुड हैंड्स, आप अच्छे हाथों में हैं, जो आपको कराया जाएगा बहुत अच्छे से कराया जाएगा और सारी चीज़ें बोर्ड में आने वाली हैं, बोर्ड में कवर होने वाली हैं। चाहे हम बच्चे सेलेक्टेड पढ़ाएं, पर ऐसे बच्चे पढ़ाएंगे जो धमाल करेंगे। यस कौशिक कह रहे हैं, हाँ सर आप झूठ बोल सकते हो, तो आज आप हमें दिखा दो, आज आप हमें दिखा दो कि आप झूठ बोलते हो या सच बोलते हो। कहीं ऐसा तो नहीं साहब आप झूठ बोल दो और हमारा भविष्य खतरे में आ जाए। तुम्हारा भविष्य खतरे में बिल्कुल नहीं है, टीचर भगवान होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। अरे मेरे बच्चा, तुम्हारी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ कि टीचर भगवान होता है, वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन टीचर भी झूठ बोल देता है कभी-कभी। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके करियर से रिलेटेड चीज़ों पे वो झूठ नहीं बोलेगा। भाई हमें तो लगता है हमारे जैसा तो कोई होगा तो नहीं बोलेगा, अब उनके जैसा होगा तो हमें पता नहीं। वैसे टीचर सारे अच्छे होते हैं, ऐसा करते नहीं हैं। तो जल्दी से टाइप करो यस कि सर स्टार्ट कर दो आज की क्लास बिना किसी देरी के। कमेंट यस अगर आप कह रहे हो कि सर जल्दी से क्लास स्टार्ट कर दो, देन कमेंट यस। इफ यू आर सेइंग कि क्लास की लाइव क्लास में, वो उसे कैसे पता लाइव क्लास, कुछ बच्चे बाद में भी देखते हैं तो कि ये मास्टर कितना टाइम स्टार्टिंग में ले लेता है। मेरे बच्चा ये ना सोचे, स्टार्टिंग के लाइव सेशन के स्टार्टिंग के अगर आप बाद में क्लासेस लेते हैं तो फॉर योर बेटरमेंट जो स्टार्टिंग का कुछ फेज़ है उसको कट कर सकते हो वीडियो के, अगर आप डायरेक्ट कंटेंट पे आना चाहते हो कि भाई हम तो केवल कंटेंट सुनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में कराने वाला हूँ और देखूँगा, आपसे ही पूछने का प्रयास करूँगा कि वो आता है या नहीं, आपको कितना आता। मुझे कमेंट चाहिएंगे फास्ट फास्ट, तो ये आपके सामने खुल जा सिम सिम, आपके सामने आ गई होगी एक स्क्रीन। इस स्क्रीन पे आप देख रहे होगे ये है एक पेपर, ये पेपर लास्ट ईयर के एग्ज़ाम का है, पिछले साल के बोर्ड एग्ज़ाम में ये पेपर आया हुआ है। मिल गया होगा आपको, शायद स्ट्रीमिंग थोड़ी लेट है, शायद अब आपके सामने आया है। तो इसमें क्या है मेरे बच्चा, ये पिछली बार का पेपर है, सीबीएसई के पेपर के तीन सेट आते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे कि तीन सेट होते हैं, सेट ए सेट बी और सेट सी, यानी कि सेट वन सेट टू और सेट थ्री। तो उससे तो हम पे फ़र्क पड़ना है नहीं, तो ये किसी बच्चे का सेट है और इस पे उसका लिखा है रोल नंबर। मैं कर देता हूँ इसको कट, रोल नंबर तो हम नहीं देखने जा रहे, हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन होता क्या है। तो अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में जितना जितना हमने पढ़ा है। तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 12 किस पे आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ सभी बच्चे जल्दी से, और देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है।
दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 12, कल की क्लास में कराया था ऐसा, क्वेश्चन नंबर 12, ये बोर्ड का पेपर है, ये देखो ये कोड है, ये इसको स्कैन करोगे तो सीधा बोर्ड का पेपर एग्ज़ाम का ये वाला सेट ओपन हो जाएगा। तो हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, कि कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो जल्दी से बताओ, डैश कैपिटल अकाउंट कौन सा कैपिटल अकाउंट है जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही बताता है? कल की क्लास में मैं बोल रहा था फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल को कंपेयर करते हुए कि ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछ लेता है कि किसका क्रेडिट बैलेंस होता है, किसका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता। जल्दी से बताओ, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, कौन सा कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है? जल्दी से बताओ मेरे बच्चा, कौन सा अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है? डैश कैपिटल अकाउंट, वो कौन सा अकाउंट है? यस कौशिक कह रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यस कौशिक कह रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड। ओजस्वनी कह रही हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और कोई जल्दी से, और कोई लास्ट ईयर का क्वेश्चन? देखो मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो कैसे तपाक से पेपर में आ जाते हैं मेरे बच्चों, देखो कैसे करता हूँ मैं ये कमाल कि क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, कैसे करता हूँ मैं ये कमाल। जल्दी से देखो बेटा, ओजस्वनी फिक्स बता रही हैं, यस कौशिक फ्लक्चुएटिंग कह रहे हैं, बाकी बच्चे रख के चले गए फ़ोन को लाइव दिखाने के लिए। लाइव तो बस दिखाने के लिए है, बस ये दिखाने के लिए हम ले लेते हैं क्लासें, बाकी तो बस ऐसे ही चल रहा है काम। यस फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, कौन सा कैपिटल अकाउंट? फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस, फिक्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। करंट अकाउंट का भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का भी मेरे बच्चा क्रेडिट और डेबिट में से कोई सा भी बैलेंस हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में भी रेयरली डेबिट बैलेंस मिल सकता है, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस मिलेगा, या तो जीरो मिलेगा तो वो भी क्रेडिट का जीरो बोला जाएगा, या तो कोई कैपिटल नहीं होगी, वरना तो वही होगा जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और ऊपर लिखा हुआ है, अभी आप जानते नहीं हैं, बस इतना दिखाना चाहता हूँ, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन द बैलेंस शीट। इस तरीके से भी घुमा फिरा के चीज़ें आ जाती हैं, जब रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तब मैं इसको कवर कराऊंगा, अभी मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमें आज करना है, प्रयास करेंगे दो दो कर लें। तो आज ये वाला कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है, पूरे 50,000 के लिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पूरे 50,000 के लिए, और क्या कहता है ये क्वेश्चन, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चार नंबर में बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ये बोर्ड में आया है मेरे बच्चे क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अरुण शोभा एंड युवराज वर पार्टनर्स इन अ फर्म, तीन तीन पार्टनर हैं,
ASY अरुण, शोभा एंड युवराज तीन पार्टनर हैं। युवराज के साथ हैजल नहीं है, शोभा पार्टनर हैं अभी। किसके अंदर पार्टनर हैं? एक पार्टनर सिर्फ फर्म में ही पार्टनर होते हैं। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 डेट दे रखी है, देयर फिक्स कैपिटल्स स्टूड एट 1,50,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब तीनों की कैपिटल में, मैंने क्या कहा था इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे तो क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे मेरे बच्चा? मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे कि हमें चेक करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। क्वेश्चन कब की डिटेल है? 31/3/2019 भी है और 1 अप्रैल 2018 भी है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन में दे रखी है ओपनिंग डेट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर अब याद ना हो, भूल गए हो, तो दोबारा से ओपन करके देखना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मैंने स्पेशली लिखा रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मेरे बच्चा हमारे पास क्या होना जरूरी है मेरे बेटा? हमारे पास कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होना जरूरी है। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रखा है तो पहले ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक काम तो आसान कर दिया, 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग डेट दे दी, 31/3/2019 तक जाना है तो ओपनिंग डेट से यहाँ तक कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। दूसरी बात, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं। कैपिटल अकाउंट कैसे हैं? फिक्स्ड हैं। और जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं मेरे बच्चा, जब कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो जर्नल एंट्री में क्या आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? पार्टनर करंट अकाउंट। क्या आ जाता है? इसका मतलब अगर बाद में क्वेश्चन ने हमसे कहीं जर्नल एंट्री मांगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे पार्टनर करंट अकाउंट, ना कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मेरे बेटा इसलिए टाइम लगा रहा हूँ, क्वेश्चन इसलिए आराम आराम से पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आप भी समझें कि क्वेश्चन कैसे रीड आउट किया जाता है, वरना गलती कर देते हैं। आप पेंसिल से पेपर में ऐसे कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं पेंसिल से, पेन का यूज़ ना करें, पेंसिल से छोटे छोटे टिक लगा लें इंपॉर्टेंट जगह पे। जैसे मैंने लिख लिया ओपनिंग डेट है, फिक्स कैपिटल है, तो फिक्स कैपिटल है तो जैसे ही मैं फिक्स कैपिटल देखता हूँ मेरे दिमाग में आ जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए, सैलरी के लिए, कमीशन के लिए या P&L अप्रोप्रिएशन को बंद करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उन सब एंट्रीज में पार्टनर करंट अकाउंट लिखा जाएगा, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखा जाएगा। आप ये बात अच्छे से समझते हैं। आगे पढ़ते हैं। कह रहा एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर इसका मतलब डीड है, इसका मतलब डीड है। अब डीड में जो जो भी लिखा हुआ है वो अलाउ हो जाएगा। तो ये वाला लपड़ा भी उसने खत्म कर दिया, सारी टेंशन दूर करता जा रहा है हमारी। छोटा बच्चा है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है इतनी कैपिटल इस डेट को फिक्स कैपिटल है और पार्टनरशिप डीड कह रही है ये बातें मान लो। तो क्या क्या लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में मेरे बेटा? पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 20,000 ईच। पार्टनर्स को 20,000 की सैलरी दी जाएगी। सर 20,000 इंटू 12 कर दें, पूरे साल की निकाल ली है ना? ना मुन्ना ना, पहले से दे रखी है एनुअल, पहले से दे रखी है एनुअल, तो ये 20,000 ही रहेगा, कोई इंटू 12 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पार्टनर की 20,000 है। पेपर में बच्चा क्या कॉमन मिस्टेक करके आया होगा इस बार? केवल एक ही सैलरी लिखी होगी 20,000, ये नहीं पढ़ेगा ईच, गलती हो जाएगी। यानी कि अलग अलग लिखना पड़ेगा कि भाई अरुण तेरी भी 20,000, शोभा तेरी सैलरी भी 20,000 और युवराज तेरी सैलरी भी 20,000। तो इस तरीके से टोटल सैलरी हो गई 60,000। बच्चा 20 लिखेगा, फंस जाएगा। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 10% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड कर दो। हमने कहा कर देंगे, काहे की दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही। आगे पढ़ो। प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1:1।
प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे? 3:1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। ये रेशियो कब काम आता है? जब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं मेरे बेटा, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जब हम क्रेडिट माइनस डेबिट करके एक डिफरेंस बचाते हैं, जो डेबिट साइड में आता है वो होता है प्रॉफिट। तो वो जो बच जाता है पार्टनर्स को डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने के बाद, पार्टनर को सैलरी देने के बाद, पार्टनर को कमीशन देने के बाद, जो फर्म ने कमाया वो भी तो पार्टनर्स का ही है। इसका मतलब फर्म पहले उनका इंटरेस्ट दे देती है डायरेक्टली, सैलरी दे देती है डायरेक्टली, फिर उनको कमीशन अगर कोई होता है तो कमीशन दे देती है डायरेक्टली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है वो उनसे ले लेती है, और बाद में जो प्रॉफिट होता है वो उन्हीं को बांटती है। क्योंकि कलेक्टिवली हम बोलते हैं फर्म, इंडिविजुअली बोलते हैं पार्टनर्स। ठीक है बेटा, तो हम अलाउ कर देंगे, जो प्रॉफिट बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कह रहा है हमारा जो प्रॉफिट हुआ है 90,000 का हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 90,000 का हमारा प्रॉफिट है। हमने कहा काहे की टेंशन भाई। तो कह रहा है पास करो जर्नल एंट्री फॉर द अबोव इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो फर्म की बुक्स में जर्नल एंट्री मांग रहा है। कह रहा है जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ फर्म की बुक्स में कि क्या क्या जर्नल एंट्री आने वाली है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को, जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्या होता है। करता हूं बेटा, जर्नल एंट्री से पहले कुछ वर्किंग नोट बना लें या सीधा जर्नल एंट्री का ही यूज करेंगे? बताओ जरा, कुछ वर्किंग नोट बना लूं मैं या सीधा जर्नल एंट्री ही लिख दूं? जल्दी से कमेंट करो, क्या जर्नल एंट्री ही लिख दूं या वर्किंग नोट वगैरह भी लिख के दिखाऊं? बेटा एक सेकंड के लिए रुकना। ठीक है, करें मेरे बच्चा। ठीक है, करते हैं। कुछ खराब हो गया क्या? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। वैसे आप कर सकते हो, आपको सब अच्छे से बता रखा है मैंने, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, और आप वैसे भी बहुत समझदार बच्चे हो। तो बेटा जर्नल एंट्री बनानी है हमें, वर्किंग नोट बना लें। ठीक है, बनाते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? हम बना लेते हैं इनके वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स में हम क्या निकाल लेंगे बेटा? वर्किंग नोट्स में हम निकालेंगे सबसे पहले, पहला वर्किंग नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा बताओ क्वेश्चन की डिटेल देख के, मैं भी यूज करता हूँ पेपर को। क्या बोल रहा है? कह रहा है साहब, क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण का कितना आएगा? तो अरुण का कैपिटल थी 1 लाख, 1 लाख का 10% और पूरे 12 महीने का कितना आने वाला है? 10,000। सिंपल सा है। अरुण के बाद क्या है? शोभा। शोभा का कितना आएगा? क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया होगा, 10/100 इंटू 12/12 कितना आएगा? 5,000। अरुण, शोभा के बाद तीसरे पार्टनर का क्या नाम था? युवराज। युवराज, हे युवराज, आपको भी मिलने वाला है 5,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा वर्किंग नोट पार्टनर्स की सैलरी का, पार्टनर की सैलरी में हम क्या लिखेंगे? अरुण की
20,000 सीधा लिख देंगे, पर एनम की ही गिवन है। सात में शोभा की भी 20,000 पर एनम की गिवन है, सात में युवराज की भी 20,000 पर एनम की गिवन है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्वेश्चन ने मांगी है जर्नल एंट्री। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक थोड़ा सा लॉजिकल फ्रेमवर्क। वर्किंग नोट के बाद हमें क्या करना है? हमें करना है अपना फेयर वर्क। हमें क्या करना है वर्किंग नोट के बाद? अपना फेयर वर्क करना है। उस फेयर वर्क में हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे जर्नल एंट्रीज जो क्वेश्चन ने मांगी हैं। ध्यान देना मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जो बात मैं बोल रहा हूँ उन पे थोड़ा गौर करना। चलो आज मैं भी लाइन साइन खींच के ही बना लेता हूँ पूरा प्रॉपर तरीके से। डेट पर्टिकुलर, इधर क्या लिखते हैं LF, इधर क्या लिखते हैं अमाउंट डेबिट, इधर क्या लिखते हैं अमाउंट क्रेडिट। तो बताओ पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या बनेगी? डेट, डेट में क्या लिखेंगे? एक सर क्लोजिंग पे बनाते हैं तो डेट में लिखेंगे 31/3/19, यही दे रखी है ना? हाँ जी, इस डेट को हमने एंट्री बनाई है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है आप नरेशन लिखेंगे, मैं टोटल इंटरेस्ट लिख देता हूँ 10 5 + 5। इसका मतलब 20,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट आने वाला है। एक एंट्री हो गई मेरे बच्चा। इसी डेट को इसकी दूसरी एंट्री, ये तो एक एंट्री हो गई, एक दूसरी एंट्री भी तो होती है, दो एंट्री होती है ना, उसको बना लो सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट बताओ किसको कैसे कैसे देना है? अरुण था, अरुण्स का कैपिटल अकाउंट नहीं करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो फिर करंट में जाता है। अरुण के बाद कौन था मेरे बच्चा? शोभा थी क्या? एक बार चेक करो क्वेश्चन। हाँ, शोभास कैपिटल अकाउंट नहीं करंट अकाउंट, और उसके बाद युवराज करंट अकाउंट। हम इस तरीके से करते हैं तो टोटल 20,000, इसका कितना आया 10,000, इसका कितना आया 5,000, और इसका कितना आया 5,000। इस तरीके से हो गया हमारा 20,000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चा? कोई दिक्कत इस बात में? कोई समस्या यहाँ तक? कोई दिक्कत आ रही है आपको तो मुझे बताओ जल्दी से कि वी आर फेसिंग ये वाला इशू या ये वाला इशू। तो अगर कोई ऐसी बात है या कोई इशू आप फेस कर रहे हो तो बताइए। कुछ भी नहीं है सर, बना लें सैलरी की जनरल एंट्री। इसी डेट में हमने क्या करना पड़ेगा? सैलरी देनी पड़ेगी। तो सैलरी की एंट्री भी क्या होती है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। टोटल सैलरी कितना दिया हमने? 60,000। वर्किंग नोट में देखा था आपने 20 20 20, 20,000 ईच था। तो तीनों को आप नरेशन भी बनाएंगे? यस, आपको नरेशन भी बनानी है। नेक्स्ट एंट्री क्या बनाओगे बेटा? इसी की, इसी डेट पे क्या लिखोगे? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, सैली नहीं बेटा, सैलरी टू अरुण्स करंट अकाउंट, उसके बाद टू शोभा का करंट अकाउंट, उसके बाद युवराज को भी करंट लगेगा करंट अकाउंट। कितना आया? 60,000 टोटल था। कैसे कैसे? अरुण के 20, शोभा के 20 और युवराज के भी 20। तो 20 20 20 हो गए कितने? 60। यही था बेटा। अब देखो ये वाली एंट्री बनाने के बाद क्वेश्चन में बोल रखा था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 3:1:1 में बटेगा मेरे बच्चा। अब मुझे तो पता नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस कितने का आएगा। क्वेश्चन ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो मांगा नहीं है।
अगर क्वेश्चन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगता तो मैं फिर जनरल एंट्री नहीं बनाता, वो अकाउंट बना देता। क्वेश्चन ने जनरल एंट्री मांगी तो मैंने जनरल एंट्री बना दी। तो मेरे भोले भाले बच्चे क्या करेंगे, ऐसे जनरल एंट्री बनाएंगे और आ जाएंगे, नंबर कट जाएंगे बेटा, क्योंकि जो लास्ट में आंसर आ रहा है वो भी तो जर्नल एंट्री बनेगी ना, उसकी भी जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो जर्नल एंट्री भी हमें बना के दिखानी पड़ती है। तो कैसे बनाएंगे, वापस से वर्किंग नोट पे चलते हैं, वर्किंग नोट में देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की सैलरी दे रखी है यहाँ, तो यहाँ एक तीसरा वर्किंग नोट बना लेंगे, उस वर्किंग नोट में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इस वर्किंग नोट में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं एक छोटा सा। जरूरी नहीं है आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएं, आप में समझदारी चाहिए करने के लिए। आप रफ में क्रेडिट का टोटल कर लो, रफ में ही डेबिट का टोटल कर लो, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दो, जो बचेगा वो प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट को हम किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में, किस रेशियो में, जो 3:1:1 हमें दे रखा था। तो काहे की टेंशन, काहे का रोना, सिंपल सी मजे वाली बात है। जेट क्लियर, सिंपल सी मजे वाली बात है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, लेकिन पेपर में हमें टाइम बचाना है। 4 मिनट के क्वेश्चन में, 4 नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगा सकते अपन लोग। अभी तो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मजे मजे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहला काम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते थे, ज़रा चेक करो वो नेट प्रॉफिट कितने का है। क्वेश्चन में दे रखा है वो नेट प्रॉफिट कितने का, 90,000 का। सर आपने ये वाली जर्नल एंट्री ट्रांसफ़र वाली तो नहीं कराई। हाँ मेरे बच्चा, मैंने बिल्कुल नहीं कराई, हम भूल गए। हमें क्या करना चाहिए था, हमें सबसे पहले प्रॉफिट की जर्नल एंट्री करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रॉफिट के बाद ही तो हम क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तभी सैलरी अलाउ होती है, तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, वरना अलाउ नहीं होता। याद है ना, सैलरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट, एज अ चार्ज, एज अ अप्रोप्रिएशन, वो वाली बातें। तो कोई बात नहीं, मैंने वहाँ नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पे पहले नंबर पे जो एंट्री बननी चाहिए थी उस एंट्री को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। क्या एंट्री बनाते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते हैं उसकी क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसकी जर्नल एंट्री बनती है मेरे बच्चा, क्या जर्नल एंट्री बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है, क्वेश्चन ने दे रखा था 90,000 का, तो 90,000 का प्रॉफिट हम ट्रांसफ़र करेंगे। सर आपने फिर ये पहले क्यों नहीं बनाई, आप अब क्यों बना रहे हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता था, पेपर में ये कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है, ये वाली एंट्री बच्चा भूल जाता है और फिर नंबर हो जाते हैं टाइम टाइम फिस। मेरे बच्चे नंबर क्या हो जाते हैं, टाइम टाइम फिस। तो इसलिए इसलिए याद रखना ये वाली बात, ये इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसफ़र वाली जर्नल एंट्री भी हमें बना के दिखानी पड़ेगी, वरना चीज़ें गलत हो जाएंगी। सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट निकाल दिया, आपने तो कंपेयर नहीं करा, एज अ चार्ज था, एज अ अप्रोप्रिएशन था। बेटा ये देखो ना, 90,000 का क्या था, प्रॉफिट था, और अगर हम उन लोगों को सैलरी दे रहे थे तो 60,000 की जा रही थी, इसको देने के बाद भी कितना बचता है, 90,60,30,000, 30,000 में से 20,000 प्रॉफिट सफिशिएंट था। और जब प्रॉफिट सफिशिएंट होता है तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं होती, जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तब सोचने की ज़रूरत पड़ती है मेरे बच्चा। ठीक है बेटा, यस कमेंट करो अगर आपको बातें समझ में आई, देन कमेंट यस और आगे बढ़ो। आगे क्या करना है हमें, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सर जो बना रहे थे उसी पे चलते हैं। यस, कितना टाइम ले लिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन में, बस इसीलिए टाइम ले रहे हैं आपको समझ में आ जाए, फिर तो हम फास्ट फास्ट चलेंगे। सर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा तो 0, क्या हमें भी पेपर में दिखाना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो जरा, अरुण का कितना था 10,000, शोभा का कितना था 5,000, युवराज का कितना था 5,000, तो कुल कितना हुआ 20,000। ऐसे ही सैलरी इकट्ठे लिख देता हूँ, सम कर देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। तो पार्टनर की सैलरी कितने की थी, 60,000, बंद करेंगे अकाउंट, क्रेडिट का टोटल 90, तो इधर भी 90, क्या बच जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस,
80 कितने का प्रॉफिट आया? 10,000 का। और ये 10,000 का प्रॉफिट किस किस को मिलेगा? थोड़ा सा अरुण को, थोड़ा सा शोभा को और थोड़ा सा युवराज को, तीनों में बटेगा। कैसे कैसे बटेगा? 10,000 इंटू इसका रेशियो, 10,000 इंटू इसका रेशियो और 10,000 इंटू इसका रेशियो। बताओ इसका रेशियो क्या था? 10,000 इंटू रेशियो क्या है मेरे बेटा? रेशियो क्वेश्चन में दे रखा था 3:1:1, यानी कि 3/5। इसका कितना है? 1/5। इसका कितना है? 1/5। ये तो आप जानते हो ना, रेशियो का हम कैसे करते हैं ये आप जानते हो ना। ऐसे दे रखा था, हमने टोटल कर लिया 3:1:1, ये दे रखा था, हमने टोटल कर लिया, 5 आया, 3, 4, 5, 5 आया। तो रेशियो क्या बना? 3/5, 1/5, 1/5। तो इस 10,000 को हमने बांट दिया 3/5 में इसके लिए, 1/5 में इसके लिए, 1/5 में इसके लिए। जल्दी से बताओ कितना आया? पहले वाले का 6,000, यानी कि अरुण को मिला 6,000, इसको कितना मिला? 2,000, और लास्ट वाले को कितना मिला? 2,000। 6, 2, 2। अब ये वाली जर्नल एंट्री हमें क्वेश्चन में बना के दिखानी है। निकालो अकाउंट से जर्नल एंट्री। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट साइड। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के कहाँ लिखा हुआ है? डेबिट साइड। इसका मतलब जर्नल एंट्री में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कहाँ आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अरुण, कैपिटल नहीं क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, अरुण्स करंट अकाउंट, शोभा करंट अकाउंट और युवराज का करंट अकाउंट। कितनी कितनी अमाउंट? 6, 2 और 2। तो करें बेटा, क्या जर्नल एंट्री निकल के आई है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली क्या जर्नल एंट्री निकल के आई? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट जो 10,000 का बचा था, कैसे कैसे है? तो कुछ अरुण की कैप करंट अकाउंट में जाने वाला है, कुछ शोभा के करंट अकाउंट में जाने वाला है और कुछ मेरे बच्चा के करंट अकाउंट में जाने वाला है। कितना कितना कैसे कैसे जाएगा? 6,000, 2,000 और 2,000। 6 और 2, 8 और 2, 10। 6 और 2, 8 और 2, 10। वेरी गुड। 6:2:2 ओजस्वनी, 6:2:2। बेटा आप बहुत ध्यान दे रहे हो ओजस्वनी, आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसे ही। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अब देखना पेपर में 4 नंबर कैसे मिलेंगे आपको। आधा नंबर इस जर्नल एंट्री पे, आधा इस पे, आधा इस पे, आधा इस पे, आधा इस पे, ठीक है? कितना हो गया? 1, 2, 2.5, ठीक है? और इस पे कितना? 1.5, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं निकलती, ये कहीं ना कहीं हेल्प से निकलती है। वो कुछ भी हो सकता है क्राइटेरिया, वो सीबीएसई अपना क्राइटेरिया निकालता है। अमूमन जब हम चेकिंग वेकिंग में जाते हैं या देखते हैं तो अमूमन इस तरीके का ही मिलता है। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, सीबीएसई के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इस तरीके से होता है, ठीक है बेटा? इस तरीके से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि इस तरीके से ये वाली चीज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गई, ठीक है बेटा? तो ये था हमारा आज का एक क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ था। हमने क्या किया? वर्किंग नोट बनाए। वर्किंग नोट बनाने के बाद में फिर हमने जर्नल एंट्री बना ली, फिर हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, क्योंकि ये वाली जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर, क्योंकि जब तक प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलेगा तो फिर हम ये एंट्री नहीं बना पाएंगे। ज़रूरी नहीं है आप पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं, अगर आप समझदार हैं, आपके पास लॉजिक है, तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो रफ में, कि ये क्रेडिट और ये डेबिट बिना नाम लिख के। आपको पता है क्रेडिट में 90,000 का तो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 0 है, 0 लिख लो। ऐसे ही डेबिट की सारी आइटम लिख लो। डेबिट की कितनी आप जानते हो? ये 20,000 का है, ये 60,000 का है, खुद देखो, खुद पता चल जाएगा। ऐसे कितनी जल्दी बन जाएगा? 90,000, 90,000 कितना बचा? 10,000। तो 10,000 के इस प्रॉफिट को किस में बांट दो? रेशियो में बांट दो। वो टाइम बचाना आपके ऊपर है, वो टाइम की टेक्निक आपके ऊपर है कि टाइम आप कैसे बचाएंगे, ठीक है? बाकी मैं क्वेश्चंस की एप्लीकेशन पे भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अभी जो नए यूज़र्स हैं, जो अभी जिन्होंने कोर्स ख़रीदा है, उनके लिए ओपन नहीं हुई हैं, वो 1-2 दिन में उनके लिए भी ओपन हो जाएंगी, उनको भी एक्सेस मिल जाएगा। वो भी वो क्वेश्चंस की जो क्लास, जो जैसे मैंने आज यहाँ क्वेश्चन कराया है,
एप्लीकेशन पे हम अपने कोर्स के अंदर ऐसे ही रेगुलर क्लासेस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप वहाँ आके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल भी प्रैक्टिस को मिस ना करें। केवल एक नॉमिनल 799 रुपीज़ की अमाउंट हमने आप लोगों के लिए रखी है। जो 1500 का कोर्स था मंथली का, वो 799 आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टफ टाइम में बच्चों को थोड़ा हेल्प हो जाए, पेरेंट्स को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो 600 का प्रॉफिट आप लोगों के लिए है, इसलिए वहाँ पर जाकर ज़रूर कोर्स परचेज़ करें, और साथ में ही बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं एक और क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ होमवर्क में। एक देखो, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया मेरे बच्चा। अभी मैंने आपको दिखाया कैसा अकाउंट होता है, अभी दिखाया था ना कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट कौन से अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, एक वो नंबर, यानी कि 4 नंबर में वो एक 5 नंबर का मैं आपको करा चुका हूँ। और अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, तो पेपर में वो चीज़ गलत हो जाएंगी, तो आप जो मेहनत भी कर रहे हैं वो बेकार हो जाएगी। इसलिए कोर्स ज़रूर खरीदें ताकि वो सारी चीज़ें रिलीवेंट हो जाएँ। अब आपके लिए ये एक क्वेश्चन है, ये वाला, सुधा, नरेश और गीता, जल्दी से इस क्वेश्चन को रिव्यू करो, और ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है मुझे, और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि क्या आंसर आएगा इसका। सिंपल सा है, और ये क्वेश्चन 6 नंबर में आया है। इसका मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसी में से लास्ट टाइम के पेपर में 11 नंबर का आया, बल्कि कुछ मैंने चीज़ दिखाई नहीं आपको, लगभग 12 नंबर के आसपास का यहाँ से कवरेज हो गया था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट तक। और मजे वाली बात यह है, जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीख जाएंगे तो वो आगे की क्लासेस में भी पूरी पार्टनरशिप में रिपीट होता रहेगा, तो मज़े आ जाएंगे। तो उसको लर्न करने की ट्रिक वगैरह हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, तो वो टेंशन आप ना लें, वो टेंशन हमारी है, वो टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दें बच्चा, वो हम हैं, वो सारा काम हम करेंगे। आपको केवल 799 पेड करने हैं और बस मज़े उठाने हैं, अकाउंट्स के मज़े लूटने हैं। सुधा, नरेश, गीता पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग दे रखा है उनका, फिर से वही वाली चालाकी, फिक्स कैपिटल, यानी कि जर्नल एंट्री बनाएंगे तो क्या आएगा, करंट अकाउंट, लेकिन क्वेश्चन में इस बार जर्नल एंट्री नहीं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांग रहा है। तो बेटा पिछली बार हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बना दिया था, लेकिन इस बार P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा फेयर का पार्ट होगा, और जर्नल एंट्री क्वेश्चन ने मांगी नहीं है, तो बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जो मांगेगा हम वही बनाएंगे। सर, लोन किस साइड जाता है? बेटा P&L अकाउंट में जाता है। पार्टनर्स का जो लोन होता है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता है। पार्टनर्स का जो लोन पे इंटरेस्ट, और आप सर लोन नहीं, ये लिखो आप सर, पार्टनर्स के लोन पर जो इंटरेस्ट होता है वो P&L अप्रोप्रिएशन में किस साइड जाता? कहीं नहीं जाता मेरे बच्चा। केवल पार्टनर्स का जो लोन के ऊपर वाला इंटरेस्ट है वो P&L अकाउंट में ही जाता है, उसको डायरेक्टली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान के P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना डाल के हम P&L अकाउंट में डालते हैं। बाकी पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज़ें हम कहाँ पर डालते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन में डालते हैं। बेटा वो डायरेक्ट ऑब्लिगेशन मानी गई है, वो पेमेंट की ऑब्लिगेशन मानी गई है, कि लोन पार्टनर ना देके कोई और भी देता तो आप तब भी तो उसको किसकी पेमेंट करते? इंटरेस्ट की पेमेंट करते। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा, भाई लोन कोई भी प्रोवाइड करे उसका इंटरेस्ट तो कंपलसरी है, देना ही देना होगा, तो वो तो हमेशा चार्ज ही होगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीज़ें सारी की सारी P&L अकाउंट में जाती हैं। केवल एक सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें थोड़ा हम देखते हैं वो भी प्रॉफिट है या नहीं है। तो जो ये लोन वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L अकाउंट में जाएगा मेरे बच्चा। P&L अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं, P&L अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में क्या करता है, आपको बोलता है प्रॉफिट, जैसे ये वाला लास्ट मैंने क्वेश्चन कराया उसमें आपको दे रखा है कि प्रॉफिट 90,000 का है। अगर मैं उसमें ये बोल दूं कि प्रॉफिट 90,000 का है बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो बेटा पहले मैं वर्किंग नोट में रफ में जाके पार्टनर्स का लोन का इंटरेस्ट माइनस करूंगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफ़र करूंगा। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन है उसी पे बात कर लेता हूं। इसको आपने जो ये निकाली है क्वेरी, इस पर अगर हम बात करें, मान के चलो इस क्वेश्चन में हमें लोन के बारे में बोल रखा होता और ये बोलता कि 90,000 का जो प्रॉफिट है अभी तक, इसमें से जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन है,
मान लो 5,000 का है, वो अभी तक डिडक्ट नहीं किया हुआ है, तो मैं वर्किंग नोट में क्या करता, वर्किंग नोट में जाता, 90 में से 5,000 घटाता, कितना बचता 85,000। तो फिर मैं ये वाली जर्नल एंट्री 85,000 से बनाता। और क्वेश्चन में अक्सर ये वाली चीज़ वो आपको देता है ये चेक करने के लिए कि आपका लॉजिकल फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है मेरे बच्चा। ठीक है, समझ गए मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर दे रखा होता, ये गलती मत कर देना, कुछ लोग क्या सोचते हैं और कुछ टीचर्स भी बता देते हैं कि ऐसा करो ना, 90,000 को क्रेडिट में डाल दो और 5,000 का जो लोन का है, पार्टनर्स का लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है, उसको डेबिट में डाल दो ना। कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा, आंसर तो ठीक आ जाएगा लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत हो जाएगा। नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है मेरे बेटा, हमें किसी भी हाल में ऐसा नहीं करना चाहिए। तान्या, अरे वाह तान्या मेरे बच्चे, अब आइए तू, मज़ा आ गया तुझको देख कर कि अब तेरी आंखें खुली हैं। फिर से मैं उस क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 1, 2, 3 मूवी देखी ही मैंने अभी, तो उसमें बोलता है ये आदमी हर चीज़ में एस लगवा देता, पापा नहीं पापास बुलवाता है, तो वो एस की आदत मुझे भी पड़ गई। बॉम्स बम्स, तो पार्टनर्स प्रॉफिट्स। ठीक है बेटा, जल्दी से रीड आउट करो, आसान सा क्वेश्चन है। आगे कह रहा है देखो, ये था, बिसाइड्स हर कैपिटल गीता हैज़ गिवन अ लोन 75,000 टू द फर्म, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, फिक्स कैपिटल है, आसानी से निकालोगे, वर्किंग नोट में निकालोगे, फिर P&L प्रोविजन में ट्रांसफर कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग 12% पर एनम, कैसे निकालेंगे डिटेल हो सकता है नीचे दे रखी हो, सैलरी टू सुधा 30,000 पर मंथ इंटू 30,000 इंटू 12 करना पड़ेगा, साथ में नरेश की 40,000 पर क्वार्टर, देखो मैंने इस तरीके का क्वेश्चन करा रखा है, तो 40,000 पर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर यानी 4 × 16 160,000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 160,000 आएगा। आगे देखो फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन 9%, जो अभी आप पूछ रहे थे ओजस्वनी, ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है ना 9%, यानी कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा। आगे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर सुधा ने विदड्रॉन किया 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सबका रिवीजन हो जाएगा, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रिवीजन हो जाएगा, यहाँ से पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रिवीजन हो जाएगा, सब रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन से आपका। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, सैलरी दे रखी है ऐसी लिख दोगे, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल दोगे, 9% का शायद लोन, लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 9%, तो 9% दे रखी है तो 9% ही मान लेंगे, डीड में नहीं दे रखी होती तो 6% ले लेते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेटा, इस क्वेश्चन को मेरे बच्चा जरूर जरूर, ये होमवर्क है, कल आकर जल्दी से बताओगे कि कितना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया, कितना आंसर आया। जल्दी से एक चीज़ और, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाला आइकन जरूर दबाएं। साथ में बेटा एक रिक्वेस्ट आपसे कि वीडियो पूरी लास्ट तक देखा करें, अगर लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर अभी तक आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लासेस सारी नहीं ली हैं तो वो भी हमने आपको वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपको सारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्लास मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे पार्टनर कैपिटल तो पार्टनर कैपिटल की सारी क्लास मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जाएंगे कि P&L अप्रोप्रिएशन क्लास लेनी है तो वो प्लेलिस्ट आपको प्रॉपर मिल जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल की क्लास लेनी है तो वो प्लेलिस्ट आपको प्रॉपर मिल जाएगी, साथ में कंप्लीट प्लेलिस्ट भी है वहाँ पे जिसमें आप बेसिक और पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट को 1, 2, 3, 4 करके रिवाइज कर सकते हैं। जब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इन्जॉय करते रहिए और साथ में पढ़ते भी रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।